चाय बेचने वाला ऑडियो क्लियर है, बहुत निकाला कर रहा हूं वो हर कोई नहीं बनता भाई। तू बोलता मेरी मार मत करो। हां माइक 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 बोला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्टेज के लिए। एंड आई आल्सो हैव टू टेल यू that Shreyas is the director of the film. Heartiest congratulations, you're making your debut here as the director. Sir, heartiest congratulations. Lekin sir, maine poster dekha, mera dil toot gaya, and I'll tell you why. If you could just sir move on the side. Sir, kahan gaya wo 2.5 kilo ka haath sir? Kyun kara liya aapne nasbandi? Sir, ye 2.5 kilo ka haath sir, mera dil toot gaya hai. Ab kaise rahega sir wo dialogue? से आपने जर्नलिस्ट लोगों के साथ वो लेफ्ट राइट किया ना? हाँ जी सर, वैसे ही मैं फंस गया। अरे सर कैसे, मतलब ये कैसे क्या हो गया आप लोगों के साथ, कैसे फंस गया आप? यार पता नहीं, मतलब अचानक एक दिन हम लोग कहीं गए हुए थे, वहाँ हमारी फोटो खिंच गई और लग गई पोस्टर पे, तो सारे लोग अभी ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं क्या हमने करवा लिया यार, क्या बड़ा पाप करवा लिया, मतलब मनोज से भी बड़ा पाप ऐसा लग रहा है। यू नो मनोज तो बड़ा फेमस है यार। हाँ मनोज है कौन, मैं देखना चाहता हूँ। ये या ये सर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दो लोग फेमस है, एक मुकेश जो हर फिल्म में पहले आता है, एक मनोज। बट आपको आपको देख के लग नहीं रहा कि आपको कोई दुख है किसी बात का, मतलब क्या सर, मतलब ये क्या एक्चुअली सब कंफ्यूजन है, कुछ ऐसी बात है नहीं। हो क्या गलती से उन लोगों ने पता नहीं कहाँ हमारी फोटो पोस्टर पर छपवा दी अभी इसमें, और इसी वजह से करेक्ट, मतलब हमारी एक्चुअली ऐसी कोई हमने करवाई नहीं है नसबंदी, ये तो हमारी गलती से फोटो लग गई, किसी ने लगवा दी। नहीं नहीं झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, प्रूफ है तो दिखाइए सर, ऐसा प्रूफ के बिना मीडिया मानती नहीं है सर, दे ऑल वांट प्रूफ। वो मीडिया अज्यूम करना नहीं जानती, देखिए मीडिया कुछ अज्यूम नहीं करती है। बॉबी है, बॉबी बताएगा। हां बॉबी वो ऐप के ऊपर बॉबी हाथ रख के दिखाएगा। कहां गया आप सर? ये रहा ऐप सर, ये रहा। अच्छा हां जी सर, हां यही है वो, ये रहा। नहीं तो 8 सितंबर तक नहीं वेट करें प्रूफ का? सर ये रहा वो ऐप सर, ये तो पहले ही बच गया। इतना बुरा टाइमिंग है लाइफ में यार। अब तो जो होना था हो गया, अब तो पोस्टर पे छप भी गए। बट हार्दिक कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर यू नो इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। तो जब आप ये फिल्म लेके गए इनके पास, कुछ क्या क्या रिएक्शन क्या था इनका, सबसे पहला रिएक्शन क्या था, मतलब सोचा कैसे आपने कि 2.5 किलो का आदमी है सर? कुछ हाथ में एक्चुअली 5 फीट दूर से ही बात कर रहा था पहले तो। अच्छा। जब नरेशन किया तो मैं ऐसे दूर से था कि बाजी ऐसे ऐसी स्क्रिप्ट है, और वो उन तीनों की नसबंदी के पोस्टर छपते और मैं ऐसे बैठ गया था। बोला अगर पड़ा 2.5 किलो का तो मैं वैसे ही मेरा 1.25 किलो का है, कहीं और कम ना हो जाए, यू नो। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक बाजी व्हेन ही हर्ड द स्क्रिप्ट एंड व्हेन बॉबी आल्सो हर्ड द स्क्रिप्ट, दे जस्ट लव्ड द कॉन्सेप्ट की ऐसा ऐसे कॉन्सेप्ट, ये इट्स अ वेरी न्यू एंड नॉवल एंड अ फ्रेश कॉन्सेप्ट, सो दे सेड दैट यू नो वी वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। एंड आई वाज एक्सट्रीमली ऑनर्ड बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट चॉइस पाजी टू प्ले दिस पार्ट, बिकॉज आई वांटेड ऑफकोर्स एक ही मैन कैरेक्टर जो अपने इंडस्ट्री का जिन्हें हम माचो मान कहते हैं, यू नो, तो वो हो। एंड ऑल्सो टू लेंड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द सब्जेक्ट, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड नसबंदी, तो कहीं लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भैया क्या कर रहे हो। सो पाजी बीइंग इन द फिल्म लेंड्स इट अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी के छिछोरी कोई फिल्म नहीं होगी, ये फैमिली एंटरटेनर ही होगी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये जो आइडिया है आपका, मतलब इसके पीछे किसी और का भी हाथ है, किसी और ने आपको इस चक्कर में फंसा दिया है, कोई है जिसने आपको फंसाया है इस नसबंदी के पोस्टर? मुझे ऐसा लग रहा है किसी और ने लगवाया है ये। हाँ हमने तो किया नहीं है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि हम चीख चीख के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया है नहीं, पर पोस्टर छप जाते हैं गलती से, और फिर हम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो कुछ करते रहते, दैट इज व्हाट द फिल्म एंड स्टोरी। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि स्नेहा ने करवाया ऐसा कुछ, ऐसा ये उन्होंने, हाँ मतलब ये कहा कि नहीं करनी पड़ेगी आपको और ये छपवाना पड़ेगा। तो वो हमारी जो प्रोड्यूसर है उन्होंने हमें डरा के धमका के कहा कि ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो डरा के धमका के इनको। वाओ, सो फिर मिल लेते हैं इनसे जिन्होंने इनको डरा और धमका के काम करवाया है। सो कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट स्नेहा इफ यू कुड प्लीज जॉइन अस ऑन टू द स्टेज, शेयर about this film. Sir, if I could request you all, Sneha, if I could request you to sit as well. I was asked to see this Marathi film Poster Boys, which I did, and I cannot tell you the impact it had on me. I immediately asked my team to get in touch with Shreyas, who I knew was in the midst of making this film. And I just had to be a part of it. Just had to, because it was such a wonderful film. And having seen what he has done, Shreyas,
with the Hindi version. Extremely ecstatic. I think Sunny Paji and Bobby have outdone themselves. I could never, ever imagine them playing this role. In fact, when Shreyas first told me he wants Sunny and Bobby to play these characters, I was like, are you kidding me? And he said, no, I'm not making it if it's not the two of them. And I could see where he was coming from, and absolutely wonderful selection and wonderful casting. Great, great, great job. Thank you so much. And of course... So it's my absolute honor and privilege to have Dharampaji over here with us today. And Dharampaji is presenting this film. It's my absolute honor and delight. Sir, please. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Dharmendra. One of the most entertaining actors of all time. Obviously a legend, but I think he's one of the most accomplished actors and one of the most entertaining actors of all times. Sir, आपने फिल्म का प्रोमो देखा, मैंने देखा, आप बड़े खुश, I'm sure इससे पहले भी शायद आपने देखा. आपके सच्चे सच्चे बताइए, कैसा लगा आपको फिल्म? मैंने सुना था फिल्म के बारे में, मराठी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, लेकिन आज ये प्रोमो देखकर तो लगा शायद उससे आगे निकल जाएंगे हम लोग. क्या बात है, अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमेडी है, बड़ी खूबसूरत लग रहा है. मेरे बच्चे भी मुझे डिफरेंट लग रहे हैं, वो लग ही नहीं रहा है 2.5 किलो वाला और वो, लेकिन ये और वो सर, ही मैन की फैमिली से नसबंदी, मेरी नसबंदी तो कुदरत भी नहीं कर सकी. जय हो, जय हो, जय हो. टू गुड. खैर, फिल्म के लिए करवानी पड़ती है भाई, और आपको इकट्ठा किया है, आज बुलाया है. आप प्यारे दोस्त हैं, आपसे जुड़ा हूँ पिछले 55-60 साल से, आपकी पहली पीढ़ी मेरे साथ थी. तो ये जो आज जो जश्न या ये फंक्शन किया जा रहा है, इसके पीछे आप समझते हैं कि मुद्दा क्या है. मुद्दा ये है कि हमने एक अच्छी एफर्ट की है, और एफर्ट को अगर आपके आपका भी सहारा मिल जाए तो ये चार चांद लग सकते हैं इसको. और तलपड़े बड़ा प्यारा बच्चा है, अक्सर मिलता रहता है मुझे, लेकिन अब मैं बीच बीच में आहिस्ता से अंदर से, तो मैं ये एक्टिंग मेरी महबूबा है ना, मैं इसको प्रोफेशन नहीं समझता. ये रूठ जाती है, मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ, ये मना लेती है. आपने देखा होगा मेरा आना जाना रहता है, और आप दिल में बसा लेते हैं हमेशा की तरह. तो मैं तलपड़े से कहता हूँ, यार कोई ऐसी अच्छी कहानी और ढूंढ जिसमें नसबंदी ना हो, कुछ और बंदी हो. आज नसबंदी, शराबबंदी, ये सब मत करना. कुछ ऐसी बंदी करो जिसकी बंदी करने से तकलीफ ना हो. बंद करके रख दो बस. तो बहुत प्यार आप सबको, मेरी दुआएं हैं. और सोनी से क्या है, स्नेह है, स्नेह भी है, प्यार है. सिंह साहब हैं, हमारे दोस्त हैं. तो हम क्या है कि आपने देखा होगा गाहे बगाहे आते हैं, शायद इसलिए कुदरत ने सोचा कि रोज का आना जाना कदर खो देता है. लेकिन गाहे बगाहे जब आते हैं तो कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाते हैं. तो दुआ करता हूँ उससे कि इस बार भी हम छाप छोड़ जाएं दिलों पे, दिमाग पे, जो अरसे तक याद रह सके. शोहरत तो आनी जानी है भाइयों, समंदर शोहरत के साहिल नहीं होते. मैंने देखे हैं एक से एक तैराक डूबते यहाँ. तो इस शोहरत को बनाए रखने के लिए मेरे ख्याल से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है. मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, और हमने कोशिश की है कि शोहरत से कहीं ऊपर चल के मोहब्बत पैदा की जाए, दिलों में रहा जाए. तो आज भी एक एफर्ट की है ताकि हमारी मोहब्बत आपके दिलों में बनी रहे, आवाम में बने रहें. क्या है हमारी सेहत का राज? आप सबकी मोहब्बत. आप जब मोहब्बत करते हैं, हमारे जज्बात को सींचते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं. आज मैं साथ बैठा हूँ, कम नहीं लग रहा.
और बातें क्या करूं जी जान से, आपको प्यार दुआएं फिल्म के लिए, सबको जो इससे जुड़े हुए हैं, यूनिट के लोग, कैमरामैन, हूएवर इज विद अस, माय गुड विशेस आर विद देम, माय लव इज विद देम, एंड आई प्रे टू ऑलमाइटी मेक दिस पिक्चर ए बिग हिट, सो देखें हम आगे भी चल सकें। दुआएं बहुत हैं और मेरी दुआएं असर कर जाती हैं, वो मेरा बहुत दोस्त है, मेरी दुआओं में भी असर है और वो मेरा दोस्त भी है, तो खुश रहिए। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगा होगा आज प्रोमो, सब कैसा लगा एक दफ़ा हाथ खड़े करके बताइए और मुझे बताइए जोर से, लव यू लव यू लव यू, आई हेयर ए गुड एको, गुड, जीते रहिए खुश रहिए। वाकई प्रोमो में दम है तो पिक्चर में बहुत दम होगा, आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या कुछ टूट जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं, ये कमबख्त नसबंदी बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब आपने तो बता दिया कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट जब इन्होंने जेन्युइनली इन्होंने आपको ये आइडिया प्रेजेंट किया, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड, सबसे पहला जहन में क्या ख्याल आया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनकी पिटाई करनी चाहिए, क्या 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 मन में आया आपके? नहीं, जब मैंने सब्जेक्ट सुना, इसके बारे में पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैंने मराठी फिल्म देखी भी नहीं, बट मुझे आइडिया इतना अच्छा लगा कि मैंने शेर से कहा कि ये हम पक्का करेंगे। एंड आई एम श्योर यू नो इट आल्सो काइंड ऑफ गिव मी a reflection of what sir has already done, chupke chupke ke style mein aapko main dekh raha hu, aap hindi ke teacher bane hue hain, jaise maine aapko dekha ki aap hindi ke teacher, main khud king karte hue vimur ho gaya, maine kaha bhai kamaal hai yaar, woh to kamaal hi ho gaya, to nahi yaar, when I heard the script main bhi thoda dar gaya tha ki mujhe itni shuddh hindi bolni hai, aur but it's a big challenge, it was a big challenge, but that's what the fun of the whole character was, to speak in hindi, and Shreyas was a chupke chupke dekh ke रिहर्सल कर ली वो तो मैं चुपके चुपके देख रहा था, आपको कैसे पता चला? पर इट वाज आई मीन मी एंड श्रेयस सैट एंड वी डिड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप टुगेदर, एंड व्हेन वी वर वर्किंग ऑन द इन द वर्कशॉप ही न्यू ऑल द डायलॉग्स, यू नो इट वाज इनक्रेडिबल हाउ ही वाज लाइक ही न्यू एवरीबॉडीज डायलॉग्स, तो मैं बोल रहा हूँ यार तू ही बोल दे मेरे लिए फिल्म में डायलॉग, लेकिन फाइनली आई हैड टू से इट इन हिंदी, व्हिच वाज which was fun and it was difficult as you saw in the promo, I mean shukravai ko chedan, koi janta hai iska matlab kya hai, shukravai ko chedan ka matlab janta hai koi, shukravar ko kya matlab, nahi to aap dialogue repeat kar dijiye taki inko dikha, ha pura dialogue ek bar repeat, okay, sabhya bhasha, ha sabhya bhasha, main aap se sabhya bhasha mein vartalap karunga, aap mere ek prashn ka uttar dijiye, aapne hamari anumati ke bina हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्र भाई को छेदन के संदेशवाहक पत्र पर हमारा छायाचित्र कैसे प्रकटित किया? शुक्रवार को क्या किया? शुक्रवार को, आज शुक्रवार को हमारी फिल्म आ रही है सितंबर, प्लीज जाइए और देखिए। तो किसी को पता लगा कि क्या क्या बोला? अच्छा, वो लिफ्ट में जो आए थे उन्होंने शुक्र भाई को छेदन करा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, आई एम अ न्यू पर्सन फॉर दिस मूवी, I'm very new for this, or I would like to thank Shreya sir for giving me this chance. क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ऐसा राइट प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी कैपेबिलिटीज़ अपना पोटेंशियल शो कर पाए, सो दैट्स द आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी, थैंक यू सो मच। एंड बॉबी सर, आई वॉज वेरी नर्वस वेन आई वॉज कमिंग फॉर द फर्स्ट शॉट, मैं सोची थी होगा भी कि नहीं होगा, आई वॉज सो नर्वस, बट जब शूट शुरू हुआ वो कैसे स्मूथली खत्म हो गया पता ही नहीं चला, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉपरेशन, यू डिड सच अ गुड जॉब दैट व्हेनेवर आई सी यू ऑन स्क्रीन आई गेट नर्वस बिकॉज़ यू ऑलवेज, आई मीन द वे यू पोर्ट्रेड द वाइफ्स रोल इज अमेजिंग, एंड सीरियसली आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट टू यू, व्हेनेवर आई एम डबिंग for the scene and I'm actually getting nervous looking at you because you're going to fire me. Thank you so much. Sunny sir, I'm your huge fan. मुझे शूट के दौरान आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला एक बार भी, but I was so desperate to meet you. Thank you so much for making me a part of this project. Thank you so much and I'm very happy. You can see my excitement. Thank you so much. I think sir, आप कुछ कहना चाहते थे आप उस समय, कुछ मन में आया? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि हमारी फितरत में है घुल मिल जाना, तो सामने वाले को टाइम नहीं लगता। तो चलिए, जब बेसिकली ओरिजिनल फिल्म का जो क्रक्स है, वी हैव केप्ट द सेम थिंग इन दिस वन आल्सो, वी हैव नॉट रियली टैम्पर्ड टू मच विद द ओरिजिनल फिल्म,
बट कीपिंग इन माइंड सनी सर्स कैरेक्टर एंड बॉबीज कैरेक्टर, उसके लिए जो कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़े वैसे ही किए, बट अदरवाइज we've pretty much stuck to the original film. That is what people had loved, and we didn't want to unnecessarily divert or you know, go somewhere else from the original screenplay. No, I always want to do different kind of films, but I'm more known only for action. Though I've done a lot different kind of films as well. Definitely the script was very interesting, the idea is very interesting, and I wanted to, when you have a great idea, a subject, the actor just wants to do it no matter what. And that gives you an opportunity to get into something which you wouldn't have done otherwise. Jaise mujhe idea, maine suna iske bare mein, when I spoke to Shreyas, to usi waqt mera idea itna acha laga ki main sir ye hame karna chahiye, hum teenon hi karenge. And Shreyas ne bola, main direct. I said, why not? You will only direct. Let's all just do it together, because it felt so positive. और वेट लूज करना, वेट गेन करना, वो तो आजकल एक्टर सभी करते हैं। पर कितना आपने लूज किया? मतलब कितना? मैंने कुछ लूज नहीं किया, कुछ गेन नहीं किया। वो फोटोशॉप है, जस्ट फॉर दी। वो नसबंदी का असर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस टीम का एक हिस्सा हूँ। आई एम रियली फॉर्चुनेट। वी ऑल नो श्रेयस एज शी इज अ डियर फ्रेंड एंड वी हैव सीन हिम एज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। तो बड़ा अच्छा लगा था कि पोस्टर बॉयज़ के लिए वो अभी डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंड आई जस्ट फेल्ट रियली फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज द प्रोजेक्ट। एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ सनी सर, ही नोज अबाउट इट, वी वर्क टुगेदर ऑन द मैन ऑल्सो, एंड टू वर्क विथ हिम अगेंस्ट हिम वॉज एन ऑनर। और श्रेयस ने हमारे सीन इतने क्यूट से डायरेक्ट किए हैं, आप जब स्क्रीन पे देखोगे मैं आपका रिएक्शन सुनने के लिए बेकरार हूँ। ये फिल्म जल्दी आ जाए, आप सभी की शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। नहीं, धर्म सर इस फिल्म में नहीं है, बट उनका जिक्र जैसे कि आपने सुना, वो उनका जिक्र नाम ही काफ़ी है। मामूली सी झलक थी, लेकिन ये फिल्म कुछ और ही है। मैं जानना चाहता था कहानी क्या है भाई, मैं मराठी फिल्म भी नहीं देख सका, आज देखता हूँ कल देखता हूँ, किसी ने दिखाई नहीं, अपना थिएटर है तो भी नहीं दिखाई मुझे। और ये शर्मीला है, शर्मा के निकल जाता है, इसे टालना आता है, ये टाल के निकल जाता था। अब समझ नहीं आए, मैं जैसे खुला नहीं था इतना, तो मैंने कहा कुछ अच्छा ही होगा जब मराठी लोगों को इतनी फिल्म अच्छी पसंद आई है। मराठी लोग फिल्म को जो देखते हैं और पसंद करते हैं उसमें कुछ होता है, पंजाबी तो कुछ भी पसंद कर लेते हैं। चक दे फटे उसमें लगे, मराठी जो है थोड़ी सी बारीकी में भी चले जाते हैं, तो कुछ बारीकी होगी इसमें, जो मोटापन हम पंजाबी समझ सकते हैं बारीकी जल्दी समझ लेंगे। तो मुझे लगता है आज ये प्रोमो देख के फिल्म काफी बहुत अच्छी होगी, बाकी तो मेहनत करना हमारा फर्ज है, नतीजा उसके हाथ में है, लेकिन वो हमारी सुन लेता है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए उसी वजह से हम लोग ये पिक्चर बनाई है, हमने नसबंदी पर है, सो आई थिंक दैट टेक केयर ऑफ हर ऑल। मुझे लगता है जैसे ये रिवाज चल पड़ा है YPG 1 YPG 2 YPG 3 बनने जा रहा है अभी, इसका भी लगता है कि वो 2 बनेगा और कुछ नए ढंग से बनेगा। आज से सीरियसली हमें सोचना शुरू कर देगा, सक्सेस को नजर आ ही रही है, लेकिन सोचते रहना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है, तो लगता है कि इसका 2 ही बनेगा। आई डोंट थिंक ऐसा ज्यादा कुछ फर्क है मतलब मराठी और हिंदी ऑडियंस में, बट लाइक आई मेंशन अर्लियर कि चेंजेस मैंने ज्यादा मराठी से ज्यादा चेंजेस किए नहीं है, बिकॉज that script itself was pretty powerful, that screenplay was powerful, so we tried to retain that jitna rakh sake, and jo Sunny Paji aur Bobby ke character ke hisab se jo changes karne pade character mein utne hi kiye, but uske alawa bahut zyada aisa kuch badlav kiya nahi, jo ha usme kuch jo khamiyan shayad reh gayi thi we've tried to do away with those, jo hame lagta hai film you know dekhne ke baad mein ki yaar ye thoda sa kam hona chahiye tha, isko thoda bada sakte hain, we made all those changes and tried to make it even better, so it is an effort, aisa nahi ki isme galtiyan nahi hongi, but effort kiya hai, we keeping the same story and screenplay in mind.
I know I was looking for some great scripts to come my way. I didn't get any till I heard the script from Shreyas, and that excited me a lot. So I just want to do films which I enjoy doing, and I know that the audiences will enjoy when they watch it, and not just keep. I'm trying to do some more films. I'm doing YPD3 now, which will start soon. So hopefully, when people watch this film, I'm sure I'll get some more work. Hi, message तो definitely है, but जैसे आपने कहा कि हंसते खेलते हंसते मुस्कुराते अगर वो मैसेज लोगों तक पहुंचाए तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है एंड दैट इज व्हाट द आइडिया इज दैट यस इट इज एन इशू इट इज अ बिगर इशू बट यू ट्राई टू यू नो गिव द मैसेज राइट एट द एंड ऑफ द फिल्म इन अ नाइस लाइट हार्टेड ह्यूमरस मैनर. मैं तो ट्रैफिक में फंस रहा था, मैं सोचा नहीं फंसना चाहिए. तो कुछ ना तो कुछ करना चाहिए, पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए. हैदराबाद का जिक्र मैं बड़े प्यार से करना चाहूंगा. मेरी एक फिल्म आई थी फूल और पत्थर, शायद उस वक्त की शोले तो नहीं थी लेकिन शोले से कम भी नहीं थी, बेफना मकबूल हुई थी. आज भी जब एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, आज तो एयरपोर्ट बदल गया खैर वहां का, तो मेरे मुसलमान भाई हिंदू भाई मुझे शाका कहकर बुलाते थे, इतनी मोहब्बत करते थे. धर्मेंद्र की बजाय मुझे शाका कहने लगे थे. और हैदराबाद एक प्यारी जगह है, वहाँ खाने पीने का भी अच्छा है, मिर्ची सालन भी मिलता है, बघारे बैंगन भी मिलते हैं. और फिर मैं जुबली हिल पे रात जॉगिंग करने जाया करता था, तो बड़ा मज़ा आता था. अच्छा शहर आपका, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया सुना है, और मुझे भी आप सबसे बेहद मोहब्बत है और इस बात का एहसास है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि जितनी बढ़ सके उसे मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा. मेरी दुआ है अगर ये अच्छा इंसान बना रहे तो उनसे बहुत ऊपर जाएगा. डायरेक्टर तो बन जाते हैं लोग, अच्छा इंसान बनना मुश्किल है. हमने जो कुछ भी दिया है, हमने डायरेक्टर दिए हैं, इंसान नहीं दिए हैं. मैंने अपने वाइफ को मैनेज करके यहाँ पे लाया. अरे हो जा दीप्ति, कुड यू प्लीज से हाय टू प्रॉब्ली शी इज सो नो शी इज बेटर नाउ थैंक्स टू ऑल योर प्रेयर्स. यू नो शी इज doing well now and she couldn't have definitely missed an event like this happening in our lives. So it was a little hectic, it was a little unfortunate ye sara hospitalization wagera, but thank God she's better now and I'm just taking one day at a time. I'm trying to see ki jo kaam jaise jaise khatam ho jaye ek ek din jaise jaise ja raha hai waise I'm trying to finish it off. And thanks to all my friends actually and my team members, they are also here, team members from Sony, team member, direction team, my production team, all of them are working almost 24 hours to make sure ki mere upar utna pressure nahi aaye aur wo log baki ka kaam khatam kare. Wo beginning ka voice over jo hai, we wanted someone impactful ki jis tarike ka wo voice over tha jo humne socha tha, so we wanted someone like that. Ajay bhai being a very very dear friend, I remember पिछली बार मैं एक फिल्म में कुछ काम कर रहा था एंड समवन हैड अप्रोच्ड हिम टू प्ले अ पार्ट इन इट एंड ही केप्ट आस्किंग मी अरे उसका क्या हो रहा है. यू नो सो इज अ वेरी डियर फ्रेंड, वेरी सपोर्टिव एवरी टाइम. अगर ऐसी कोई बात हो तो हमेशा अच्छी सलाह देगा. वन यू नो वेरी सिक्योर एक्टर जिसे हम कहते हैं. एंड आई जस्ट शोड इन द ट्रेलर एंड आई मेंशन कि अजय भाई आई वुड लव इट यू नो इफ़ यू डू द वॉइस ओवर फॉर द फिल्म एंड ही रेडिली ऑब्लाइज्ड. सो आई रियली कैनॉट थैंक हिम इनफ for doing this and he's I guess you know uske wajah se jo fark pada hai pura impact aaya it makes a huge difference to the whole trailer. So yes, thank you. In bachcho ko inhone urdu nahi padhi. Maine urdu padhi thi. Urdu zuban aisi hai ki usme ehsan mand ho zubane urdu tera, teri zuban mein bayan hai ehsaas se dil aa gaya, kuch jazbaati hu. जब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं कभी शायरी करूँगा, लेकिन कुछ होता है आते आते आ जाती है. बहुत सी चीज़ें मुझे अब मिल रही हैं. मुझे लगता है बहुत मेहरबान है मुझ पर, कुछ ना कुछ देता रहता है मुझे. चुपके बैठ आराम से क्या मतलब, मुझे खामोश बैठने नहीं देता वो मेरे साथ है. इसलिए ये अपने अपने मन में महारावी मैं इसके जूते देख रहा था तो मैं सोच रहा था मैं कैसे चोरी करूँगा घर जा के, क्योंकि ये कपड़े छुपा लेते हैं, ये गिन लेता है अपने मेरे कपड़े किधर हैं. और ये कपड़े सनी के पहन के सनी का परफ्यूम लगा के वहाँ रखाता है ताकि पता नहीं लगे इसने पहना था. तो मैं इनको शौक है, अपने अपने शौक हैं, लेकिन
I'm happy, I'm lucky, my kids are very, very nice and they will remain human, they will be on the ground. ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं, मैं किसको मना करूँ, कर लो या ना लो, उससे I mean, I've never interfered in any of these things. So, I think, इसलिए हम लोग ज़्यादा चुप ही रहते हैं. बॉम्बे शहर में आना बहुत बड़ी खुशी होती है. पोस्टर तो बाद की बात है. यहाँ मेरी जन्नत बसती है, यहाँ मेरी महबूबा रहती है, तो यहाँ आकर ही मैं खुश हो गया. और अपने पोस्टर को मैंने अभी भी रख छोड़ा अपने पास, देखता हूँ, फिर चला जाता हूँ गांव में, सोचता हूँ. कभी कभी लगता है कि मैंने ये सफ़र तय किया है, मैं एक्टर बना हूँ, ये एक लंबा अरसा यूँ लम्हों में गुजर गया है, बहुत से लोग चले गए साथ वाले, लेकिन मेरे यहाँ नहीं कोई चीज़ जाती कि मैं अपने पोस्टर को सबको दिखाता फिरूँ. मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि महसूस करता हूँ, और कुछ दिखावा आता नहीं मुझे. आई लव माई पोस्टर, फर्स्ट पोस्टर, यू आर राइट. मेरा पोस्टर देखने के लिए मेरे मामा थे दिल्ली में, रोज 9 नंबर बस में जामा मस्जिद के पास, जामा मस्जिद के पास जाकर देख कर आते थे, रोज़ खुश होते थे और मुझे चिट्ठी में लिखते थे, धर्म आज तेरा पोस्टर देखा, बहुत दिल खुश हुआ. तो पहले पोस्टर का मतलब इट मीन्स यू, इट्स द बिगनिंग ऑफ टचिंग द हार्ट ऑफ योर पीपल. पहले पोस्टर की क्या बात होती साहब. Can I also request छतरी छतरी